कचरा मिला, मतलब डस्टबिन मिला, वहाँ डाल दिया, बस सिंपल। अब चलते हैं नूबरा की ओर, खलसर। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज खलसर। जिस कैंटीन में बैठ के भी खाना खा रहा था, बियरों का कैंटीन था, तो उसने बताया कि वहाँ से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप मिलेगा। तो यह खुशखबरी है, मैं कोशिश करूँगा, पेट्रोल तो भर ही लूँगा अगर कार्ड से चला तो, और कोशिश भी करूँगा कि थोड़ा सा कैश भी उनसे अरेंज करवा लूँ। बिना कैश का बड़ा दिक्कत हो रहा है। ये एक शांत सुशील सा बॉर्डर क्रॉसिंग। बड़े प्यार से, ये आधा कटा हुआ पहाड़ उसके नीचे से ये बना के रखा है। भाई साहब बताओ क्या रोड बनाया, और ये ब्लाइंड। दिस कॉल द संगम ऑफ रिवर विद द रोड। कितने वाटर क्रॉसिंग्स हैं यार। एक्सपर्टाइज करके भेजेगा यहाँ से, ऐसा लग रहा है लद्दाख वाटर क्रॉसिंग्स का। अब ये दो तरफ रोड जा रहा है। दिस शोज डिस्किट हुंडर थुएस एंड टूटुक। तो मुझे इधर जाना है, एंड दैट गोज टुवर्ड्स खारदुंग। तो आज तो मैं इधर से जाऊंगा, फिर वापसी में मुझे ऐसे ही आके इधर से निकलना है खारदुंग होते हुए ले। सो हियर कम्स द नूबरा वैली, द ग्रीन वैली। पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ। ऑब्वियसली इधर तो नैना पहाड़ है, लेकिन वो सामने पूरा ग्रीन है। मेरा पहला पड़ाव होगा डिस्किट मोनेस्ट्री। सडनली आई रियलाइज्ड कि मैं गलत रास्ता ले लिया, मैं सियाचिन की तरफ निकल पड़ा था। वही मुझे लग रहा था यार, ये बार बार सियाचिन वाचिन क्यों दिख रहा है। ओके सो दिस विल बी द रूट। ओके 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 थैंक यू। चलो ये क्लियर हो गया कि मैं सही रास्ते में जा रहा था। ये कार्टिंग वगैरह हो रहा है यहाँ पे मस्त टाइप का। पीछे मेरे को राफ्टिंग भी नज़र आ रहा था। यहाँ से डिस्किट इज सम 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर है। वो पेट्रोल पंप दिख गया मुझे। होपफुली यहाँ से मैं कुछ कैश भी निकाल सकता हूँ, मतलब इनको रिक्वेस्ट करके, तो मेरा काम बन जाएगा। ही इज ट्राइंग टू गेट द नेटवर्क। कैश है नहीं मेरे पास अब। मैं पकड़ूं, देखते हैं, आपसे थोड़ा सा तो ऊपर नेटवर्क मिल जाएगा। आया क्या? कैश तो नहीं है मेरे पास, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास कैश नहीं है। क्या कैश चाहिए आपसे? चलो मैं पकड़ लूँगा, नेटवर्क बना दूँगा। हो गया, और मिलेगा कैश क्या? सो नूबरा वैली फिलिंग स्टेशन, यहाँ पे पेट्रोल भरा लिया और हवा भी भरा लिया। लाइफ में पहली बार हवा भरा खुद से, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टाफ है नहीं। कैश भी मिल गया मुझे, 2000 रुपया यहाँ से कैश। थोड़ा सा जान में जान आया, और सिंस अभी पेट्रोल पंप भी साथ में है तो कोई लोड नहीं है पेट्रोल का। जाते वक्त दोबारा से यहीं पर भरवा लूँगा, ख़त्म। इसके बाद तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बार टैंक फुल करूँगा तो डायरेक्ट मैं ले तक पहुँच जाऊँगा, कोई लोड नहीं है। सो यहाँ पे ATV राइड वगैरह होता है, मेरे को एक इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल, तो अपना ATV कम थोड़ी रहे हैं, तो लोग यहाँ पे ATV कर रहे हैं। मैं फोगलू के लिए ATV है। फिलहाल डिस्किट इस टाइम 12-13 किलोमीटर फ्रॉम हियर, डिस्किट चलते हैं, मज़ा आएगा। एक अलग कहानी है लद्दाख का, देखा तो पूरा रेत ही रेत चारों तरफ, डेजर्ट लग रहा है, रेगिस्तान में पहुंच गया ऐसा लग रहा है। एक ही दिन में कितने सारे रंग दिखा दिया लद्दाख ने।
यहाँ पे ज़िपलाइन वगैरह हो रहा है, किसी को ज़िपलाइन करने का मन है तो भाई कर ले। राफ्टिंग, ज़िपलाइन, एटीवी, क्या क्या चीज़ें हैं। सही है यार, बहुत बढ़िया जगह है यार तुबरा, आँखों के लिए मनोरम दृश्य प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी टूरिस्ट के गाड़ियाँ दिखी, दिल्ली, यूपी, यहाँ से काफ़ी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। डिस्केट मोनेस्ट्री, यारा इतना दिन से मैं खाली इनके फोटोग्राफ्स ही देखता हूँ, आई मेरे को अपने आँखों से देखने का मौका मिलेगा। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, डिस्किट मोनेस्ट्री, 1 किलोमीटर अबव। वाह, शाबाश फगलो, शाबाश, तूने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया लेके आगे। ब्यूटिफुल प्लेस नुब्रा वैली, इट ऑफर्स समथिंग एल्स, कुछ और ही ब्यूटी है यहाँ के। ग्रीन है, बहुत ग्रीन है। क्या हवा है यार। एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन बोलना पड़ेगा। जुले, सो आई हैव रीच्ड डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री। तो पता नहीं मेरा आवाज ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा तेज हवा चल रहा है। और एनीवे, दिस इज द फेमस डिस्ट्रिक्ट एंड विजुअल्स देखो। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ के बीच में ये मूर्ति, isn't that amazing? Isn't that amazing? पाँच बज रहे हैं अभी, डिस्कट मोनेस्ट्री से नीचे उतर रहा हूँ। अभी डबल माइंडेड हो गया, मैं सोच रहा हूँ क्या होंडर तक जाके रुक जाऊँ या तुरतुक जाऊँ। तुरतुक यहाँ से बता रहा है कि 3 घंटा लगेगा, 100 किलोमीटर के आसपास है। होंडर तो 7-8 किलोमीटर ही है, तुरतुक भी करने का मन है। कल अगर तुरतुक जाता हूँ तो तुरतुक से वापस ले जाने में मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाएगा। सोच रहा हूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा देर सुस्ताते हैं, सोचियाते हैं, फिर इवेल्युएट करके आगे बढ़ेंगे। करंट डिस्किट बहुत मज़ा आया देखने में, बहुत तेज़ हवा चल रहा था ऊपर, ठंडा हवा कान वन के अंदर से घुस गए। डिस्किट में काफ़ी सारा होटल्स वगैरह दिखा। डिस्किट मोनेस्ट्री के कंपाउंड के बाहर ही चार्जिंग 1500 रुपीज़ फॉर ए रूम। फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे निकलने का कोशिश कर रहा हूँ, हुंडर जाऊँगा। हुंडर में जाकर डिसाइड करना है कि मुझे तुरतुक जाना है या तुरतुक ड्रॉप करना है। अच्छा, खुशखबरी, डिस्किट 1 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके जस्ट 10 कदम पीछे मुझे एक और पेट्रोल पंप मिला, तो ये तो खुशखबरी है। HP का पेट्रोल पंप दिखा मुझे। फिलहाल मेरा फोगलू का पेट तो भरा हुआ है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है पेट्रोल फुल करने का। एक और पेट्रोल पंप ये तो पेट्रोल पंप का भरमार हो गया। अभी 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के अंदर में मेरे को थर्ड पेट्रोल पंप दिखा। ये सही है यार, 10 मिनट लगा उंडर पहुँचने में। अभी 5:18 हो रहा, क्या करना चाहिए। ये दिल कह रहा है तुरतुक चले। लद्दाख में अनजान रास्तों में अंधेरे में चलाना थोड़ा सा रिस्की है, कहीं कोई वाटर क्रॉसिंग आ गया तो, लेकिन मन तो कर रहा जाने के लिए, तो चलते हैं। इतना क्या सोचने का यार, तो लेट्स गो टू तुरतुक, इंडियाज लास्ट विलेज, और यू कैन से द विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज तुरतुक में जाके रुकेंगे। तो तुरतुक फ्रॉम हेयर इज 77 किलोमीटर्स ओनली। सबसे पहले थोइसी पड़ेगा, उसके बाद चांगमार एंड उसके बाद तुरतुक। 77 किलोमीटर्स, 77 किलोमीटर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 घंटा। अभी 5:20 हो रहा है, मैक्सिमम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। खाली वहां पे रहने का कुछ मिल जाना चाहिए बस। इस बात बताऊँ, पेट में गुड़गुड़ 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 हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का नाम मतलब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर सुन के यार 5:30 बज रहा है अभी शाम को, थोड़ा सा गुड़गुड़ गुड़गुड़ तो हो रहा है।
प्लस जिस तरीके से पिछले दो दिन तीन या चार दिन जो भी बोलो, पिछले तीन चार दिनों में जो खतरनाक सा रोड मिला था, कहीं उस तरीके का रोड अगर मिल जाए सामने तो लेने का देना पड़ जाएगा। लेकिन अब क्या ऑप्शन है, तो निकल ही पड़े हैं सब, वापस आ रहा है और मैं जा रहा हूँ। और वो दृश्य, ओहो, कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं आ रहा जो मेरे को आंखों से दिख रहा है। ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि भगवान जी ऊपर से टॉर्च मार रहे हैं ऐसे करके, फ्लैश लाइट, गट 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 गट, धीरे 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 फुगलो धीरे। ओ भाई साहब, क्या फ्लो है नदी का, ये कौन सा जगह भाई। भाई साहब क्या बात है यार, ये क्या जगह है। पता चला रखिए कोई गुफा में से जा रहा हूँ। ब्रिज है, पहली बार क्रॉस कर रहा हूँ। लिखा हुआ था वीक ब्रिज वन एट अ टाइम। राइट नाउ तो एस्टिमेटेड 7:30 के आसपास पहुंच जाएंगे। कोई लोड नहीं है अभी भी, सूरज मामा है, रोशनी तेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई तो गांव पहुंचा, इस विलेज का नाम है बोगडांग। बोगडांग तो क्या डिजोलेटेड एरिया है। कुछ तो था लिखा हुआ, अटेंशन करके लिखा हुआ, पता नहीं क्या था वो। स्पीड लिमिट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, लकड़ी का ब्रिज। भाई साहब नीचे का नज़ारा देख के तो दिल दहल रहा है। ओ एक आधा पट्टी भी अगर टूट जाए ना, यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। गोरखा रिज तुरतुक किस 10 किलोमीटर्स। अच्छा कोई कैफे भी है, नूनूस कैफे। तुरतुक इज सम 9 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। बहुत फास्ट आ गए, एकदम सुनसान, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है एक्साइटमेंट के चक्कर में। कभी भी इस तरीके का सिचुएशन से गुजरा नहीं हूँ कभी। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर अंधेरा होने वाला है और मैं अकेला जा रहा हूँ बॉर्डर की तरफ। वेलकम टू टुरतुक विलेज, सो दिस इज तुरतुक। शाम को 7:30 बज रहा है, यहाँ पे कुछ ढूंढते हैं। कैंप टुरतुक, कैंप नहीं चाहिए। अरे रुको भाई, पता चला कि कहीं पर 2 रूम मिल सकता है। यहाँ पे 3 बाइकर्स और मिल गए थे। ये भी मेरे तरह मंडरा रहे हैं। ऑफ सीजन है और मेरे को कोई भी सुबह से मतलब आते हुए नहीं दिखा था इधर तुरतुक में, सब जाते हुए दिखा था। उसके बाद भी 3-4 चेक किया तो सब फुल है। रात को 8:03 हो गए। एक चीज़ और है, वो बता रहा था कि आज मुहर्रम है तो यहाँ के लेबर वर्कर्स ये सब भी सब चले गए गाँव में, तो खाने वाने का भी दिक्कत है। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम तुरतुक। टाइम इज 20:53। जस्ट आई हैव गॉट सम रूम। अमेजिंगली ये पूरा यहाँ पे सब बुकिंग किया हुआ है और जो भी मिल रहा है सब 2500 to 3000 rupees। इतना चार्जेस क्यों समझ में नहीं आया। बड़ा मुश्किल से एक होम स्टे टाइप का कुछ मिला, कॉस्टेड मी 800 rupees इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो रुक गया अभी यहीं पर, और क्या, और सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे यहाँ से। तब तक के लिए गुड नाइट।